जैसे कि मैंने पहले ही आप लोगों को बोला था कि भाई अदनान शेख जो है बहुत जल्द घर में एंट्री लेने वाले हैं। हो सकता है कि चंद्रिका के जाने के बाद अदनान शेख को जो है घर के अंदर एंट्री दी जाए, यानी कि एक जाए दूसरा आए, और वैसा ही हुआ। पर अदनान शेख ने आते ही जो है अपना टारगेट पकड़ लिया है। टारगेट है लवकेश कटारिया और दोस्त है विशाल। विशाल को समझाने आए हैं और लवकेश कटारिया की पोल खोलने आए हैं अदनान शेख। अदनान शेख जो है वो बिग बॉस OTT सीजन 2 को फॉलो कर चुके हैं और उस दौरान जो है उन्होंने अभिषेक मल्हान यानी कि फुकरा इंसान को जो है सपोर्ट किया था और एल्विश के अगेंस्ट जो है ये उस वक्त भी खड़े हुए थे। तो अब जो है फुकरा इंसान को तो मतलब कि अगर इन्होंने सपोर्ट किया तो फुकरा इंसान के फैंस भी जो है इनको सपोर्ट करेंगे। और एल्विश यादव के दोस्त के साथ पंगा लेना यानी कि ऑपोजिट खड़े होना। अगर आप किसी स्ट्रांग पर्सनालिटी के ऑपोजिट खड़े होते हैं तभी आप दिखाई देते हैं। इनके जो है फॉलोवर्स 11 मिलियन हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो इस घर में सबसे ज़्यादा अच्छे फॉलोवर्स और ज़्यादा फॉलोवर्स इंस्टाग्राम पर जो है वो विशाल पांडे के हैं, सबसे ज़्यादा फॉलोवर। पर अब इससे भी ज़्यादा फॉलोवर वाला जो है अदनान शेख घर में एंट्री ले चुका है। इन्होंने आते ही ये बात बोली है कि भाई मैं तो भाई को अपने जाके ये बात बताऊंगा कि ये भाईचारा जो तू बोले रहता है इस भाई ने तुझे चारा बना दिया है। यानी कि इनकी जो दोस्ती है, लवकेश की जो दोस्ती है वो सही नहीं है। इसकी दोस्ती के ऊपर से पर्दा उठाने वाले हैं ये अदनान शेख अंदर आके, और ये सब चीज़ें फेक है और इनकी दुश्मनी है, पक्की वाली दुश्मनी जो है इनके साथ है। ये खुलेआम ये बात जो है वो बोलते हुए नज़र आ रही हैं स्टेज पे ही काफ़ी ज़्यादा मिर्च मसाला देने वाले हैं। हालांकि अभी देखेंगे कि आखिरकार जिस तरीके का इन्होंने इंट्रो अपना दिया है, ये स्क्रिप्ट बना के जो है बिग बॉस ने इनको दी है कि आपको स्टेज पे ऐसा बोलना है और इसके अगेंस्ट रहना है, या आखिरकार ये वैसी ही दुश्मनी जो है घर के अंदर सच में पालेंगे और सच में जो है दिल से ये सब चीज़ें लेके चल रही हैं घर के अंदर आएंगे। क्योंकि इन्होंने ये बात बोल दिया है कि ये तो मैंने पहले ही बोला कि ये मैनेजर है। ये किसका मैनेजर है? ये एल्विश यादव का मैनेजर है। चलो ठीक है, एल्विश यादव का मैनेजर है तो चलो कोई बात नहीं, एल्विश यादव का मैनेजर है। देखो लवकेश कटारिया को मैं सपोर्ट करती हूँ, बट मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि हम बाहर बैठे हुए बस ये बात देखते हैं कि इनकी भाईचारा कितना ज़्यादा अच्छा है, इसीलिए भाईचारा ऑन टॉप है। और एल्विश यादव ने भी जो है फुकरा इंसान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दिया। बाहर आने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हो गई इनके बीच में जो ये अब एक दूसरे से इन्होंने दूरियां बढ़ा ली, पर जब भी ये काम करते हैं साथ में आते तब हंस के हंसी मजाक जो है इनके बीच में होता ज़रूर है। और यहाँ पर एक मैनेजर को भी इतना बड़ा ऑफर जो है बिग बॉस ने दिया, तो उस मैनेजर में भी कुछ बात तो होगी ना, इसीलिए बिग बॉस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आया है। तो ये भी कोई छोटी बात नहीं है। अगर आप नेगेटिव बात बोलेंगे तो उस नेगेटिव में भी कुछ पॉजिटिव निकालने वाले मेरे जैसे लोग बैठे हैं। अब आपका क्या रिएक्शन है इस प्रोमो को देखने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।